बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुलपुर सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सोहन हलवा की रेसिपी। ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। इस हलवे को बनाने में आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप यकीन करेंगे जब आप इसको बनाकर टेस्ट करेंगे तो आप अपनी सारी मेहनत भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है। तो अगर आपको आज की सोहन हलवा की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल गुलपुर सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सोहन हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लीटर दूध लिया है, जिसको मैंने कढ़ाही में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देते हैं, यहाँ तक कि एक उबाल नहीं आ जाता है। ये फुल फैट मिल्क है, घर का खालिस दूध है, तो इसको अब हम उबाल आने देते हैं। जैसे ही एक उबाल आएगा हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक दूध में वो उबाल आता है तब तक हम यहाँ पे अंगूरी तैयार करके रख लेते हैं। अंगूरी आपको किसी भी मिठाई की दुकान से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिए हैं, जिसके अंदर मैंने 1 कप अंगूरी ऐड की है। अंगूरी ऐड करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। आपने ये स्टेप लाजमी करना है, इससे ये होगा कि अंगूरी जो है वो बहुत अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी, बहुत अच्छे से मिल जाएगी और आपका सोहन हलवा जो है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हाथों की मदद से मैं अंगूरी को जो है वो अच्छे से मसल रही हूँ दूध के अंदर। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंगूरी को हमने 2 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है दूध के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा। तो यहाँ पे मैदे को छान के इस्तेमाल करें। 1/2 कप मैदा ऐड कर दिया है हमने इसके अंदर। मैदा ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको हाथों की मदद से ही मिक्स करेंगे, ताकि मैदे की जो गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ और ये एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमारा जो है वो तैयार हो जाए। तो हाथों की मदद से इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके सारे लम्ब जो हैं, सारी गुठलियाँ जो हैं मैदे की, वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दूध के अंदर अंगूरी और मैदे को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और दूध को देख लेते हैं कि दूध में उबाल आ गया है या नहीं। तो इसको साइड पे रखते हैं और दूध चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूध में अच्छा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वो मिक्स किया हुआ मैदा और अंगूरी वाला दूध। तो अंगूरी और मैदा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हम दूध को फाड़ने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी लिया है, जिसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच टाटरी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके साथ हम दूध को फाड़ेंगे। तो इसको साइड पे कर देते हैं और दूध देख लेते हैं। तो दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और दूध में उबाल आ रहा है। तो जो हमने टाटरी और पानी मिक्स किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये आपने पहले नहीं ऐड कर देना है, आपने पहले देखना है कि दूध में उबाल आ रहा है कि नहीं। तो जिस जगह पे उबाल आ रहा होगा, बबल बन रहे होंगे, आपने उस जगह पे पानी ऐड करना है। तो मैंने पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैंने इसके अंदर बाकी सारा बचा हुआ पानी भी ऐड कर दिया है। दूध जो है वो पकता रहेगा यहाँ पे और साथ ही साथ फटता भी रहेगा। बहुत जल्दी दूध को फाड़ने के लिए आप इसके अंदर ज़्यादा टाटरी जो है वो मत ऐड कर दीजिएगा। इससे आपका सोहन हलवा जो है वो खट्टा खट्टा सा बनेगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता से दूध फटता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध को कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। तो अभी मैं इसके अंदर चम्मच नहीं चला रही हूँ, क्योंकि अब हमने अभी इसके अंदर टाटरी वाला पानी ऐड किया है। मैं छुरी की मदद से इसके किनारे जो है वो अलग कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर चम्मच चलाया है। और आप देख सकते हैं दूध जो है वो थोड़ी देर बाद ही फटा है, लेकिन बहुत अच्छे से फट गया है दूध। तो इसको अब हम पकने देते हैं। यहाँ पर दूध की क्वान्टिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, दूध बहुत अच्छे से फट भी गया है और अब बस इसका सोहन हलवा बनना रह गया है। मैंने इसके अंदर इलायची ऐड कर दी थी, साबुत ही ऐड कर दी थी, तो उसके छिलके जो है वो मैं निकाल रही हूँ और कलर भी देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसको हम ऐसे ही पकने देते हैं, ये पकता रहेगा और ये कम होता जाएगा क्वांटिटी में। यहाँ पे बहुत हद तक दूध जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1.5 कप चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम ऐड करें। मैंने इसके अंदर 1.5 कप चीनी ऐड की है, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो यहाँ पे चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो आप इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी से इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर डाल्टा घी ही ऐड किया है
और आधा कप मैंने इसके अंदर डालडा घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा से पकने देते हैं, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है, बिल्कुल हमारे सोन हलवे की शेप में नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं। यहाँ पे सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है और ये एक सॉलिड फॉर्म में आ गया है, यानी कि हमारे सोहन हलवे की फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी सोहन हलवा तैयार नहीं हुआ है। इसको अभी हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही और भूनेंगे, यहाँ तक कि हमारा जो सोहन हलवा है वो ऑयल नहीं छोड़ देता है, घी नहीं छोड़ देता है। यहाँ पे इसको मैं भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसने तेल जो है वो छोड़ दिया है, घी जो है वो इसके किनारों से निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हमारा सोहन हलवा रेडी है। इसको हम ट्रे के अंदर सेट कर लेते हैं। ट्रे को मैंने पहले ही ऑयल के साथ ग्रीस करके रखा हुआ है, तो इसको हम ट्रे में निकाल लेते हैं। सारे सोहन हलवे को हम ट्रे में निकाल लेते हैं और यहाँ पे अब हम चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर से फ्लैट कर देते हैं। इस चम्मच के साथ तो ये हो नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्टील वाला चम्मच लिया है, उसके पीछे वाली साइड पे मैंने घी लगाया है और उसके साथ मैंने इसके सारे ऊपर से इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, स्मूथ कर दिया है। तो ये करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं ये हाथों को भी नहीं चिपक रहा है, तो इसके ऊपर हम बादाम गार्निश कर देते हैं। एक्चुअली में ये हमने तभी लगाने थे जब ये गरम गरम था, लेकिन मैं तब भूल गई थी, तो मैंने अभी का सोचा कि अभी ही इसको सेट कर देती हूँ थोड़ा सा। तो आप जब गरम गरम हो हलवा आप तभी इसको सेट कर सकते हैं। तो हाथों की मदद से मैं मुझे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि बादाम जो है वो सोहन हलवे के अंदर जो है वो लग जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम छुरी की मदद से इसकी टुकड़े काट लेते हैं। तो आप अपने मनपसंद जितने आप इसके पीसेज रखना चाहते हैं, बड़े छोटे, आप उसके मुताबिक इसको काट लें। तो यहाँ पे सारे सोहन हलवे के हम इक्वल पीसेज जो है वो काट लेते हैं। यहाँ पे हमने पीसेस को काट लिया है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तैयार है मज़ेदार सा सिंपल सा सोहन हलवा फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बना है। जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि ये कितना टेस्टी बनता है। तो रेसिपी बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इतनी मेहनत के बाद 1 लाइक तो बनता है, तो जाते जाते 1 लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगेबान, अल्लाह हाफिज़।